हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज, अगर आप सभी कैश ई पर्सनल लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप सभी को लोन मिल पाएगा। सो गाइज, तो अगर आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो कैसे आप सभी को लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या इंटरेस्ट लगाए जाएंगे, क्या आप सभी को प्रोसेसिंग चार्ज आएगा, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारा डिटेल अच्छे से आप सभी को रिव्यू करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को आना है प्ले स्टोर के ऊपर। आने के बाद सर्च करेंगे कैश ई पर्सनल लोन लिख करके सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन का लोगो जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन से लोन के लिए जो कि अप्लाई करना है, कैश ई पर्सनल लोन एप्लीकेशन इसका नाम है, इसी एप्लीकेशन से अप्लाई करना है। इसकी डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फिलहाल 10 मिलियन से प्लस लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। वहीं रेटिंग की अगर बात करें 3.7 का रेटिंग है, जो कि तकरीबन दो लाख 4,000 से भी अधिक लोग इसको रिव्यू दिए हैं। रिव्यू पढ़ना चाहे तो नीचे आकर के आप सभी इस एप्लीकेशन का रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई से पहले मैं आप सभी को थोड़ा अबाउट फीचर्स बताना चाहेंगे, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे। तो इसके अंदर आप सभी को पर्सनल लोन जो है 1,000 से लेकर के 4,00,000 रुपये तक का लोन अमाउंट जो कि इंस्टेंट आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप सभी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का एज जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और आप सभी का मंथली सैलरी इनकम जो है कम से कम 12,000 रुपये होना चाहिए। तो आप सभी इस एप्लीकेशन से लोन के लिए जो कि एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप सभी यहाँ से इस एप्लीकेशन से 30,000 रुपये का लोन मिलता है आप सभी को, तो इंटरेस्ट आप सभी को 30% जो कि लगाए जाएंगे। 3 मंथ के लिए ये लोन अगर आप सभी को मिल जाता है तो टोटल पर्सनल लोन इंटरेस्ट हो जाएगा आप सभी को 2,250 रुपये। प्रोसेसिंग फीस आप सभी को लगाए जाएंगे 750 प्लस 300 रुपये आप सभी को लगाए जाएंगे, तो टोटल आप सभी को आ जाएगा 1,947 रुपये टोटल आप सभी के। और टोटल GST जो आप सभी को लगाए जाएंगे 590 रुपये, और आप सभी के बैंक अकाउंट्स में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा 28,053 रुपये। टोटल आप सभी को पेमेंट करना होगा 32,250 रुपये। मंथली EMI बनेगा 10,750 रुपये का। तो ये है इस एप्लीकेशन का डिटेल्स अगर आप सभी यहां से लोन लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक सेल्फी, पैन कार्ड और आधार कार्ड आप सभी के पास है तो आप सभी यहां पे लोन के लिए एलिजिबल है, इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो अब चलिए मैं आप सभी को अप्लाई का प्रोसेस जो कि बताते हैं। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद कुछ परमिशन यहाँ पे अलाउ करना होगा, तो इस दोनों बॉक्स में आप सभी को चेक मार्क करना है। करने के बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, अलाउ वाले पे आप सभी को क्लिक करना है और यहाँ से कुछ परमिशन आप सभी को अलाउ करना होगा। उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, गूगल विथ साइनअप का ऑप्शन है, गूगल विथ फोन पे और साइनिंग विथ लिंकेड है, तो यहाँ पे आप सभी को साइनिंग विथ गूगल वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आप सभी को सिलेक्ट करना है, जो भी ईमेल आईडी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद नीचे आप सभी को गेट OTP का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद गाइज अब आप सभी को यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। उसके बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप सभी को फिल करना होगा। जैसे कि गाइज सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो आप सभी का मोबाइल नंबर जो है ऊपर ही आप सभी को दिख जाएगा। उसके बाद आप सभी को फुल नेम यहाँ पे फिल करना है, जो पेन कार्ड के ऊपर नाम है वही फुल नेम आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में। उसके बाद आप सभी का ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कि चलाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है पैन नंबर। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, सिटी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप सभी अपने हिसाब से यहाँ पे जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयर नेम यहाँ पे डालेंगे, वर्किंग साइंस, डेसिग्नेशन, सैलरी रिसीव टाइप यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है, नेट मंथली सैलरी क्या है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में
चेक मार करना है। करने के बाद गाइज आप सभी को तो ये सारा डिटेल आप सभी को फिल करने के बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइज आप सभी को जो भी ऑफर प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप सभी देखेंगे मुझे कैश अप टू 78,000 रुपये तक का मिल सकता है, उसके बाद आप सभी को ओके वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद गाइज अब आप सभी को यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स में चेक मार्क करना होगा, प्रोसीड वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। करने के बाद गाइज अब आप सभी को यहाँ से इसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद गाइज आप सभी यहाँ पे देखेंगे लोन अमाउंट जो है आप सभी को कितना चाहिए वो आप सभी यहाँ पे जो कि फिल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे फिलहाल अभी जो है 3,000 से लेकर के 3,00,000 रुपये तक का लोन अमाउंट आप सभी को मिल सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 3,000 कर लेते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। सो गाइज तो उसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे करेंट एड्रेस जो कि फिल करना है, तो आप सभी अपने हिसाब से एड्रेस जो कि फिल कर लेंगे, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एरिया, ये सब एड्रेस अपने हिसाब से आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे आप सभी को टोटल जो है 4 स्टेप कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ, सबसे पहला पर्सनल डिटेल्स 100% यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप सभी को एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसको भी 100% कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आ जाता है बैंक का डिटेल्स, उसके नीचे आ जाता है आप सभी का फ़ोटो प्रूफ जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अपलोड करना होता है। तो आप सभी को इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है पर्सनल डिटेल्स, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पर्सनल डिटेल जो है आप सभी को फिल करना होगा। जैसे कि कुछ डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही फिल किया हुआ है, कुछ डिटेल आप सभी को फिल करना होगा। तो आप सभी देखेंगे गाइज कि मैंने यहाँ पे 100% सारा जो कि कंप्लीट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ डिटेल्स होता है जिसको आप सभी को फिल करना होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, उसके बाद बैंक का डिटेल्स आप सभी को फिल करना होता है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का फोटो यहाँ पे जो कि अपलोड करना होता है। तो ये सारा डिटेल आप सभी यहाँ पे फिल कर लेंगे तो ये सारा का सारा 100% जो कि कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप मेरा देखेंगे 100% यहाँ पे मेरा सारा कुछ जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप सभी का भी 100% जो कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी लोन ऑफर होगा आप सभी के स्क्रीन पर होगा, आप सभी अपने हिसाब से अमाउंट को जो कि सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप सभी के बैंक अकाउंट्स में अमाउंट जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो गाइस तो मुझे अभी फिलहाल जो है यहाँ पे कोई भी लोन ऑफर नहीं प्रोवाइड कराया गया है, और आप सभी देखेंगे गाइस कि मुझे जो है अभी फिलहाल यहाँ पे 17 जून के बाद जो कि अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, रीअप्लाई का 17 जून के बाद जो कि हम कर सकते हैं। अभी जो है फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी लोन ऑफर नहीं प्रोवाइड हुआ है। अगर आप सभी को होगा तो स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आप सभी अपने हिसाब से अमाउंट जो कि सिलेक्ट कर लेंगे, मंथली सारा कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और आप सभी लोन जो कि यहां से ले लेंगे। एप्लीकेशन अच्छा है, यहां से लोन अमाउंट आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप सभी यहां से लोन जो कि ले सकते हैं। तो ये है इस एप्लीकेशन का डिटेल्स। अगर मैं यहां पे आप सभी को सारा डिटेल फिल करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा कुछ स्किप करके मैं यहाँ पर सिंपल मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि ये डिटेल्स फिल करना होगा और उसके बाद आप सभी के स्क्रीन पे लोन अमाउंट शो होगा, आप सभी अपना डिटेल्स जो कि सारा कुछ सेट करेंगे और आप सभी के बैंक अकाउंट्स में अमाउंट जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोन जो कि ले सकते हैं। सो गाइस तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके जो कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।